हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट डायरेक्ट। मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह। आज नई वीडियो आप लोगों के लिए, काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। बिल्डर का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। DLF इस 2 के अंदर 400 गज में 4 बेडरूम 4 वॉशरूम पाउडर रूम काफ़ी डिसेंट काम किया हुआ है। काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग है और टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करूँ इसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी NHAI से काफ़ी बढ़िया है और MG रोड से काफ़ी बढ़िया है और गोल्फ का रोड बिल्कुल अटैच्ड है। MG रोड पे सारे शॉपिंग मॉल्स, आपकी डे टू डेज की आपकी सारी एक्टिविटीज़, रेस्टोरेंट, बार, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के चीज़ें हैं आपके पास। स्कूल और हॉस्पिटल आपके काफ़ी पास में हैं। आपके पास मार्केट्स काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी सारी मार्केट हैं। सेक्टर 29 का जो मेन हब है, पार्टी हब जो है, वो आपके काफ़ी करीब है और बहुत ही बढ़िया। दिल्ली से जो लोग सबसे पहले अटैच कर लोग मांगते हैं कि भैया कहाँ पे वो लोकेशन मिलती है, तो DLF फेज 2 सबसे पहले आपके एंट्री पे आता है। फेज 2 और 3 काफ़ी आपके पहले कनेक्टिविटी में आता है और काफ़ी बढ़िया अप्रोच है। काफ़ी पॉश ये कॉलोनी है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको इसकी हाईलाइट सिखाता हूँ, आइए। हाँ जी, इस तरीके से इसकी प्रॉपर पार्किंग है। एक सिंगल गेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, प्रॉपर पार्किंग का स्पेस है और डेडिकेट काम किया हुआ है। तरीके से प्रॉपर मैट फिनिशिंग में ग्रेनाइट दिया हुआ है, डुअल कलर में है, छोटी स्ट्रिप दी है वाइट कलर के ग्रेनाइट पे, काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। ग्लास पार्टीशन अभी लगना बाकी है यहाँ पर। बिल्डर से मेरी बात हो रही थी ऑलरेडी, तो ये आपकी रिसेप्शन है, ठीक है, और ये आपकी प्रॉपर पार्किंग। तो इस तरीके से, तो आइए ऊपर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। इसमें 3 फ्लोर अभी अवेलेबल हैं और शोल्डर की लिफ्ट है और डोर सेट का सेंसर RFID लॉक लगा हुआ है, डिजिटल लॉक है ये, और काफ़ी बढ़िया इसका मेन डोर और बहुत सटल लुक में है। काफ़ी सॉबर काम है इसका और इसको अब हम करते हैं बंद और आ जाइए। अगर मैं एंट्री करता हूं, तो एंट्री करते ही बहुत ही ब्यूटीफुल आपके सामने एक बैक साइड वॉल जो ड्राइंग रूम के अंदर है, काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। प्रॉपर इटालियन आप देखें, काफ़ी नीट फिनिशिंग के साथ। हाँ जी, और एंट्री करते ही सबसे पहले अगर हम आते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे का पार्ट पूरा ड्राइंग, डाइनिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी लेंथी है तो आप इसको ड्राइंग या डाइनिंग कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया स्पेस है, ड्राइंग डाइनिंग, ठीक है, और फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, एक आपका एक पाउडर रूम का स्पेस, छोटा सा फॉयर, और के ठीक राइट हैंड साइड पे आप डाइनिंग भी बना सकते हैं और लॉन्च भी दे सकते हैं। सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और एक फोर्थ बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। आप लेफ्ट लेंगे तो आपके सामने पीछे की तरफ वास्तु के अकॉर्डिंग प्रॉपर किचन दी है और ये आपका लेआउट बहुत ही डिसेंट लेआउट है। अब ये तो हो गया जी आपका प्रॉपर ड्राइंग रूम। फ्रंट की बालकनी को आपको एक ड्राइंग रूम से एक्सेस मिलता है और आपके फर्स्ट बेडरूम से आपको एक्सेस मिलता है। बालकनी काफ़ी वाइड है, बाहर काफ़ी शोर है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैं आपको यहीं से आपको एक बार दिखा दूंगा इसका लुक। और ये आपका प्रॉपर वुडन पैनलिंग, काफ़ी बढ़िया वाइड ग्रूव के साथ, पूरे घर में ACs इंस्टॉल्ड हैं और यहाँ पर आपको मार्बल का काम मिलता है, प्रॉपर मार्बल लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ
और सामने की तरफ एक और वॉल पे एलिमेंट्स हैं जो आपके साथ देखें आपको काफ़ी बढ़िया काम, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग। और एक नज़र जाते हुए और इटालियन की तरफ, अब मैं आपको इसके फर्स्ट बेडरूम में लेके चलता हूँ। इस तरीके से इसका फर्स्ट बेडरूम, और ये काफ़ी बढ़िया डोर है और हैंडल आपका अगेन डोर सेट का है। काफ़ी डिटेलिंग में हम आपको दिखाते हैं सो दैट आप समझ पाएँ आप घर के अनुसार किस तरीके से ले रहे हैं। सामने की वॉल एक हाईलाइटेड वॉल है डिफरेंट कलर में, सटल लुक के अंदर कलर में, फॉसलिंग बहुत ही बढ़िया पैटर्न में। काफ़ी वाइड रूम है, तकरीबन मान के चलें ऑलमोस्ट लाइक 20 फीट आपका लेंथ है इसकी और तकरीबन 14 फीट वाइड है। ठीक है जी, आपको UPVC के साथ आपको मेश की जाली भी मिल रही है। काफ़ी कम बिल्डर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और ये आपकी बालकनी, इस तरीके से आपकी बालकनी है। सैंडस्टोन एक्सटर्नल पे काम किया हुआ है, डाइकन का ACs और आपका ACs आपके सारे इंस्टॉल्ड हैं, नो डाउट बढ़िया चीज़ है। वाओ, ये आपका एक छोटा सा ड्रेसर ग्लास की फिनिशिंग में, लाइट आपके सामने और डबल डोर है तो तकरीबन ऑलमोस्ट 5-6 सेक्शन है सामने ऑलरेडी, जहाँ पे ग्लास दिया हुआ है तो सामने की जो शायद आपको जरूरत नहीं भी पड़े। और इस तरीके से आपको इसका वॉशरूम मार्बल में दिया हुआ है, नाइस। ये आपका बाथिंग एरिया, कोहे की फिटिंग्स हैं सारी। और इधर से आपके सामने मार्बल है जो रूल्स के साथ एक प्रॉपर मार्बल दिया हुआ है। काफ़ी ब्यूटीफुल क्लास है, बहुत ही नीचे बढ़िया वैनिटी है, नाइस। रिकॉर्ड के गीजर, ये वॉशरूम थोड़ा छोटा है। ठीक है जी, इसके साथ अब हम चलते हैं इसके पाउडर रूम की तरफ। यहाँ पाउडर का स्पेस है प्रॉपर ग्लास लुक में, नीचे ग्रेनाइट लगा हुआ है सारा, नीचे इधर वैनिटी है और इसके पीछे WC प्रॉपर ग्लास फिनिशिंग में है। और ये आपकी एक छोटी सी लॉबी, और इस तरीके से आप यहाँ पे डाइनिंग भी रख सकते हैं या फैमिली लॉन्च बना सकते हैं। ठीक है, किचन पास में है तो ये डाइनिंग भी बन सकता है और फैमिली लॉन्च भी आ सकता है। और ये वॉल पूरे पैटर्न में चलती हुई आ रही है सिमेट्रिक में, नाइस। बहुत ही सटल लुक में काम किया हुआ है, हाई विजन का ऑडियो वीडियो कैमरा डोर सेट लगा हुआ है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम में। सामने की तरफ हाइलाइटेड वॉल, सामने की तरफ LCD पैनल का स्पेस, ACs इंस्टॉल्ड, सेम वही डोर जो अभी देखा था थोड़ी देर पहले। और ये अच्छा ड्रेसर दिया है, अलमीराज काफ़ी बढ़िया है, कुछ मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट में है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अंदर की तरफ देखते हैं, नाइस, काफ़ी बढ़िया, अच्छा काम किया हुआ है। 4-सेक्शन वार्डरोब है और ये डार्क कलर की टाइल्स में हाई ग्लोसी है, बहुत ही बढ़िया। मिरर विटारा की फिटिंग्स हैं और ये ग्रोहे है, काम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डिसेंट। इधर देखें आप WC, अगेन सारी चीज़ें ये विटारा की हैं। टॉप के साथ जो जगह बची है ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और वैनिटी भी आप देखें सेम उसी पैटर्न में जो भी बाहर मैंने आपको वाटर दिखाई है, नाइस। और आप देखें नीचे वुडन कंसेप्ट के अंदर टाइल्स ही हैं, मैट फिनिशिंग के अंदर बहुत ही डिसेंट लग रही है,
बहुत ही डिसेंट। इस तरीके से हम बाहर आते हैं और ये काफ़ी वाइड, काफ़ी बढ़िया स्पेस है। अगेन एसी इंस्टॉल्ड है, ये आपका प्रॉपर डाइनिंग का स्पेस बन सकता है या आप लॉन्च बना सकते हैं। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ। इस तरीके से आप एंट्री करते हैं, ये ग्रे कलर की फिनिशिंग में बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी वाइड है, 500 गज की फील आ रहा है किचन का। आइलैंड तो नहीं है किचन, बट हाँ क्वार्ट्ज आपका दिया हुआ है। कैफ की चिमनी, कैफे फोर बर्नर हॉब है, आप देखें। सॉफ्ट क्लोजर्स, यू पॉलिश आपके क्वांटिटी में चल रही है, आप देखें। सिंक दिया हुआ है और बैक साइड की जो बालकनी है वो देखें आप, ये आपकी बैक साइड का डेक है पूरा, इट्स नॉट अ बालकनी, ये प्रॉपर डेक है। और आपको नोजल दिया है सिलेंडर लगाने के लिए, ये आपका वॉशिंग एरिया का स्पेस। बैक साइड पे एसीज इंस्टॉल्ड है, काफ़ी वाइड बालकनी है, तकरीबन 10 बाय 12 के आसपास की बालकनी है जो पीछे की तरफ है। इसको एक्सेस मिलता है दो तरफ से, किचन से और एक बेडरूम से। नाइस, बहुत ही बढ़िया टॉल यूनिट, माइक्रोवेव ओटीजी का स्पेस। ये आपका ड्राई एरिया, ये आपका हाफ एल ड्राइव, ये आपका अगेन वेट का एरिया है। एक सिंक बाहर भी होना ज़रूरी है। नाइस, काम अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर आएगा, तो स्पेस यहाँ तक तो थोड़ा सा नैरो हो सकता है। यहाँ से किचन से बाहर निकलते हुए कुछ इस तरीके से फील, काफ़ी बड़ा घर है। और ये थर्ड बेडरूम, बैक साइड पे हाईलाइटेड वॉल, इन दोनों के बीच में बेड आएगा और सेम बालकनी जो भी मैंने आपको बैक साइड पे दिखाई। और इसके साथ आपके सामने की तरफ एलसीडी पैनल का स्पेस, कुछ सीलिंग में इस तरीके का डिज़ाइन है और ये कुछ लुक इस तरीके की। बेडरूम बहुत ही बड़े बेडरूम्स हैं। अभी तक सिर्फ मुझे एक ही बेडरूम छोटा नज़र आया है, सेकंड बेडरूम। और ये आपका डोर वॉशरूम एंटर करने का, और अगेन काफ़ी बढ़िया मार्बल टच की टाइल्स, काफ़ी बढ़िया बड़ा वाइट मिरर, विटारा की फिटिंग, काफ़ी बढ़िया ग्रेनाइट का टॉप है और काफ़ी बढ़िया इसका वैनिटी है जो इस तरफ है। फोर सेक्शन वार्डरोब्स, सॉफ्ट क्लोजर्स, वेरी नाइस, काफी बढ़िया। आप देखें लेकिन ग्रो है ये वॉशरूम काफी बेहतर है, इसे कहते हैं स्पेस वॉशरूम का। मैट फिनिशिंग है, टाइल है। बाहर निकलते ही कुछ इस तरीके से काफ़ी सटल लुक में आपका अपना बेडरूम। वॉल बहुत प्यारी बनाई है इन्होंने ना, वुडन पैनलिंग, कर्टन्स के लिए इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, लाइट के लिए स्पेस दिया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है। अगर आपको वार्डरोब अगर एक और चाहिए, अगर आपकी और नीड है, तो इस स्पेस में भी आपकी एक वार्डरोब आ सकती है, स्पेस है। तो ये तो हो गया आपका थर्ड बेडरूम, नाइस। अब हम चलते हैं इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ बेडरूम पे और देखें कितना प्यारा काम किया हुआ है बैक पैनल पे, बहुत ही प्यारा ग्रूव्स, माइनर ग्रूव्स का क्या बढ़िया डिज़ाइन है, तराश के रखा हुआ है इसके बैक साइड पैनल को, बहुत ही प्यारा काम। ये बेड की बैक है, अब देखें अगर यहाँ पे अगर आप बेड लगाते हैं तो यू नो कि आपके पास ये एरिया कितना प्यारा, आप इस पर सेट ही लगा सकते हैं, काउच आ सकता है। ये आपका एलसीडी पैनल का स्पेस,
इन्होंने बीच में नहीं करके इन्होंने एक साइड में कर दिया थोड़ा सा, कि वो एरिया आप अपना उसका और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी प्राइवेट बालकनी है इफ यू, और उसमें मैश की जाली दी हुई है। पूरे घर में इटालियन, आप देखें कितना बढ़िया काम किया हुआ है। सीलिंग की रिफ्लेक्शन आ रही है, ओ वाह, इसे कहते हैं मास्टर बेडरूम। एक सेक्शन, दो तीन चार, प्रॉपर ड्रेसर, एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स सेक्शन एक तरफ है, फोर सेक्शन एक तरफ, काफ़ी बढ़िया लाइट, काफ़ी बढ़िया लाइट। और ये आप देखें इस तरीके से आपका वॉशरूम, विटारा के फिटिंग्स, काफ़ी बढ़िया ग्लास, सॉरी काफ़ी बढ़िया मिरर, और ये ग्लास पार्टीशन, ये प्रॉपर इटालियन है, प्रॉपर इटालियन गोरे की फिटिंग्स। और ये एरिया इन्होंने थोड़ा सा डाउन किए हुए है, और ये थोड़ा सा अप है, और ये भी अगेन ग्रूव्स, रिकॉर्ड का गीजर गोरे का, और ये बता तो बहुत प्यारा काम, वैनिटी काफ़ी बढ़िया है। अब देखें ये पूरा इटालियन है। हाँ जी, वेलकम बैक, काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया काम आपको नज़र भी आ रहा है, तो डिसेंट काम है, अच्छा लगा, काम का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। एक्चुअल में शिद्दत से घर बनाया हुआ है, तो जो DLF है और सुशांत फेज़ वन के जो बिल्डर हैं, काफ़ी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया जो प्राइसिंग है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल साढ़े जो 400 गज का है जो फ्लोर होता है वो तकरीबन 4.5-4.5 के आसपास की आस्किंग होनी शुरू हो चुकी है, और काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, और लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। तो घर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक LCD पैनल मिस नज़र आए, उसके अलावा कोई काम हल्का नहीं है, डिसेंट है, सेटल लुक में है, सोबरनेस है, और सेटल जो एक होता ना, एक टैकी नहीं है और समथिंग डिफरेंट नहीं है, अच्छा है, काम अच्छा किया हुआ है, तो आस्किंग भी उसी के हिसाब से है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी से हमारी दिन बनता है।